बाबू बेबी का चूना है। समझदार ने आंखें खोली, मोहब्बत को मारो गोली। बाबू बेबी का चूना है। वैसे लड़कियों ने हमारी बैंड बजा दी है, वो आई नहीं अभी तक और हमें ही स्टार्ट करना पड़ रहा है प्रेस कॉन। और मेरे तो इनफैक्ट कपड़े भी उनकी गाड़ी में, तो अभी तक आए नहीं, मैं वही कपड़े पहन के हर जगह जा रहा हूँ। तो बट वी आर रियली सॉरी। लड़कियाँ मतलब हमेशा लेट कराती है, आप देख सकते। वो होता है सर, रियल होता है, हर लड़के को पूछो, हर लड़का रिलेट करेगा। देखिए बचपन से होता है मेरे हिसाब से, तो जब से पहली गर्लफ्रेंड आप बनाते हैं तब से एक्सप्लॉयटेशन होता जा रहा है हम लड़कों का, और कोई ये फिल्मों में नहीं दिखाता। ये पहली एक फिल्म है प्यार का पंचनामा जिसमें लड़कों के बारे में दिखा रहे हैं कितने बेबस और बेचारे हैं, और लड़कियां कितनी मार रही हैं रिलेशनशिप में उनकी उनकी लड़कियों की पार्स दिखा रहे हैं इस फिल्म में कि कितनी वुमेन एम्पावरमेंट दिखा रहे हैं, कि कितनी शक्तिशाली है, कितनी पावरफुल है, कि ये लड़के को नचाती रहती है नचाती रहती है। तो वो शुरू से एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं बचपन से, एंड थैंकफुली हमारे पास एक फिल्म है जो ऐसा बता रही है। देखिए अगर कोई डोमिनेटिंग होता है तो वो हैम्पर तो करता है, लेकिन हम लड़के क्या हैं समझ जाते हैं कि ये लड़की है चलो जान लो, लेकिन लड़कियां क्या, आप उनको डोमिनेट करने की कोशिश करो उसी टाइम आपका ब्रेकअप हो जाएगा। लड़कों के साथ ऐसा नहीं हो सकता, लड़कों के साथ आपको उनका शॉपिंग पे भी ले जाना पड़ता है, आपको उनका उनको फेसबुक पासवर्ड भी बताना पड़ता है, आपको उनके घर के बर्तन मांझने भी पड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं क्योंकि हम लड़के हैं, हम बेचारे हम बेबस हैं। हम तीनों का था सर, आई मीन इतना उग चुके हैं कि लगा इसी तरीके से ये समझ पाएंगे बात, मतलब औरतें वरना और लड़कियां समझ नहीं रही थी ये बात, तो हमें लगा एक पॉइंट तो अब ये लाना ही पड़ेगा कि एक प्रोटेस्ट निकालेंगे तभी हमारी बात समझेंगे, तो हमने ये सोचा। और आई थिंक बहुत लोगों ने हमारा साथ भी दिया, जैसा हम लोगों ने देखा कुछ मतलब 200-500 लोग आ गए थे हमारा साथ देने, तो ये बहुत चीज़ जरूरी थी आई थिंक, और इसलिए करना पड़ा। इतना नहीं सोचा था इतने सताए हुए बॉयफ्रेंड होंगे, सब आ गए रोड पे आ गए सब एकदम कि हाय हाय। How? I think so, because we've made it look very bigger and bolder. Script-wise, it's boldly written and it's author-backed. और जिनको प्यार का पंचनामा 1 पसंद आई है, वो उनको प्यार का पंचनामा 2 और पसंद आएगी, because we are addressing 3 more new issues जो अपने आप में ही story-wise बहुत boldly तरीके से लिखे हैं, और हमने दर्शाया उसको खूबसूरती से है। So it's bigger because we've shot in a very grandiose scale. And yeah, it's a fun film, total entertainment. Please come and watch it. I know. और हमें पता भी नहीं था, genuinely नहीं पता था। अभी आके हमने photos देखी हैं कि वो मोर्चे पे उन्होंने मेरी सिद्धार्थ ने मेरी एक सनी ने t-shirt पहनी है जिसपे मेरी photo है और उसपे cross है। पहले मैं photo देखी खुश हो गई कि wow he's wearing my t-shirt and then I saw हाँ तीनों ने मैंने अपने वाले की देखी और उसपे cross है। That's just so sad. And आपको एक और एक पीछे पीछे की बात बताती हूँ कि ये मोर्चा निकला है एग्जैक्टली मेरे घर के सामने से जहाँ मैं रहती हूँ। How dare he? So I was like, was this a point they were trying to make to me? मतलब ये कुछ सबटेक्स्ट के अंदर तो नहीं था कि निकला मेरे घर के सामने से ही है कि तू सोच ले हम यही खड़े हैं सबके सब। So yeah, I don't know what to say really. आप I think आप पूछना चाह रहे हैं कि हमने किया है कि नहीं। देखिए इनको भरोसा है हमने किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आया कोई तो आया सब आदमी है। बाय द वे ये सब कैमरे के पीछे से एक लड़की दिख रही है जो चुप खड़ी है, दो लड़कियां हैं जो हमारी साइड पे हैं इसके लिखती जा रही है। आई होप दे आर नॉट। तो चलो आपके खुशी के लिए, हाँ मैंने देखा है लड़कियों को परेशान करते हुए, हाँ मैंने देखा है लड़कियों को पंचनामा करते हुए, हाँ चलो मैंने भी पंचनामा किया है लाइफ में, तो क्या सदियों से आप करते आयो ना, इट्स योर टर्न, टेक इट।